पर आत्मकारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए नंबर देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात पूछ रहा है। तो देखो यहाँ तो अगर यह गुना में होता ना तब हम यहाँ दो और दो जोड़ के चार लिखते, लेकिन इसका भी अगर देखा जाए घातांक तो दो है, इसका भी घातांक दो है, दोनों अलग अलग दो पद वाला है, इसलिए इस बहुपद का घात आपका दो ही होगा। ठीक है, इस बहुपद का तो गुना करोगे तो यह आ जाएगा x का पावर 5 और प्लस में 2x² यही ना आएगा, यानी इसका घात दो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, अधिकतम घातांक यही ना है। चलिए बहुपद 3 का घात, बहुपद 3 का घात, अच्छा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के सी में बहुपद 3 का घात, तो बहुपद 3 एक कॉन्स्टेंट है, इसके साथ गुना में कुछ नहीं है, तो यहाँ x का पावर 0 ले सकते हो ना जी, तो इसका घात क्या हो जाएगा 0। शून्य बहुपद का घात, तो मैंने शून्य बहुपद का घात बताया था कि इसका यह निश्चित नहीं होता या अपरिभाषित होता है या अनिर्धार्य लिख सकते हैं, अनिर्धार्य या फिर अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, अनिर्धार्य ठीक है या फिर अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, ठीक है इसे अपरिभाषित भी लिख सकते हो, अपरिभाषित, क्लियर है। चलिए अगला बहुपद यह दिया हुआ है इसका घात पूछो, तो इसका सबसे अधिकतम घातांक 3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शून्योत्तर अचर बहुपद का घात, तो शून्योत्तर अचर बहुपद यानी शून्योत्तर मतलब 0 को छोड़कर, यानी कि जैसे मान लो px बराबर मैं कोई संख्या दे दूं 7 दे दूं, तो इसके साथ गुणा में कुछ नहीं, px का पावर 0 है ना जी, यहाँ 0 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर